हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसके कुछ रूल्स कराए थे और क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और हम रूल्स सीखेंगे बच्चों, जिनके बेस पे फिर हम ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए। बच्चों, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो अगर कोई भी एसेट अकाउंट आप बना रहे हो, वैसे तो जो रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया वो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी अगर आपको डाउट आए, तो कोई भी अगर आपका एसेट अकाउंट है तो इसका ये आप ये देख सकते हो कि क्या कब आप एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे। जब आपको एसेट अकाउंट तब डेबिट करना है व्हेन आपकी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आए। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट करना है इफ डिक्रीज हो जाए आपके एसेट में। किसी भी रीजन से मेरा कोई भी एसेट अगर बढ़ता है तो वो डेबिट होगा, और कोई भी एसेट अगर घटता है तो वो क्रेडिट होगा। ये एसेट का एक रूल है। ऐसे ही बच्चों सेकंड लायबिलिटी का, अगर मैं कोई भी लायबिलिटी अकाउंट बना रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारे एक लायबिलिटीज़ हैं, तो इनमें से अगर मैं किसी का भी अकाउंट बना रहा हूँ तो आपको डेबिट करना पड़ेगा इनका डिक्रीज, और क्रेडिट करना पड़ेगा अगर कोई इंक्रीज होता है तो। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, ये वाला ध्यान से समझना बच्चों, कैपिटल अकाउंट वाला अभी आपके अगली क्लास में काम आने वाला है। कैपिटल अकाउंट अगर मैं कोई बना रहा हूँ तो किसी भी तरीके का अगर डिक्रीज होता है तो वो आपको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है इफ कोई भी किसी भी तरीके से इंक्रीज होता है। ठीक है, कोई रिवेन्यू अकाउंट अगर सर बनाए तो, रिवेन्यू या गेन अगर होता है जिसमें, तो रिवेन्यूज़ में क्या होगा बच्चों, आपको डेबिट करना पड़ेगा डिक्रीज को और क्रेडिट करना पड़ेगा इंक्रीज। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रिवेन्यू बोलूं, अगर मेरी इनकम में कमी आएगी तो बच्चों वो डेबिट होगा रिवेन्यू, या फिर अगर वो बढ़ेगा तो फिर वो क्रेडिट होगा। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं किसी रिवेन्यू के बाद किसी एक्सपेंस की बात करूँ तो वो भी इसके अपोजिट होता है, यानी डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। इनके ऊपर बच्चों जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप ये रूल्स नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। बोल रहा अगर ये जितनी भी मैंने आपको टर्म्स गिवन है, ये जितने भी आइटम्स आपको गिवन है, अगर इनमें इंक्रीज होता है तो आप इसे किस साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। कह रहा है नेचर भी बताना अकाउंट का। ठीक है, नेचर हमने सीखा था। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बच्चों यही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये बच्चों मॉडर्न ही मानी जाती है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, हालांकि जो मैंने लास्ट क्लास में रूल बताया था और ये रूल बिल्कुल सेम है, बस इसमें इंक्रीज डिक्रीज वाला ये केस हो जाता है और वहां पर मैंने आपको अलग तरीके से बताया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनमें क्वेश्चन में, पीछे कराता हूँ आपको।
चलिए पहले मैं ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये सारी चीज़ें पहले मैं ये क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि इसमें हमको ये बताना है कि क्या ये डेबिट होगा या फिर ये क्रेडिट होगा, और साथ ही में इनका नेचर भी बताना है हमको। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं गया तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों गिवन है हमको बिल्डिंग अकाउंट। ऐसा करता हूँ बच्चों, मैं पहले पूरा नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको एक साथ बताऊँगा। बिल्डिंग के बाद है क्रेडिटर्स, आप भी ये मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए तब तक। फिफ्थ है कैरिज इनवर्ड अकाउंट, फिर है बिल्स पेबल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है बच्चों डेटर अकाउंट। फिर है क्रूड कमीशन। और लास्ट है इसमें 12th जो है बच्चों, वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, इसमें हमको डेबिट बताना है या क्रेडिट बताना है और इनका नेचर भी बताना है। नेचर से मतलब है कि क्या ये एसेट है या फिर ये लायबिलिटी है या फिर एक्सपेंस है, रिवेन्यू है, क्या चीज़ है मतलब। ठीक है, चलिए बिल्डिंग अकाउंट में बच्चों, और ये हमको मान के चल रहा है कि इन सब में इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन ने बताया था हमको कि ये सब जितनी भी आपको आइटम गिवन है इन सब में इंक्रीज हुआ है, तो ये हमको पहले से ही एज्यूम करके चलना है कि इन सब में इंक्रीज हुआ है। तो अच्छा, अगर बिल्डिंग अकाउंट में इंक्रीज होगा, सबसे पहले तो बिल्डिंग एक एसेट है मैंने आपको बताया था, और अगर किसी एसेट में इंक्रीज होता है तो देखो अभी मैंने आपको लास्ट पेज में क्या लिखवाया था, अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है, फिर है बच्चों क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं, और अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। आप चाहो तो इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे बच्चों, ये उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ जाके इसको देख सकते हो, उन रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और कोई बच्चा अगर चाहे तो पहले से ही इसे कर सकता है, वीडियो पॉज करके फिर लास्ट में हमसे आंसर मैच कर सकता है। ठीक है, प्रोप्राइटर यानी अभिषेक यानी बच्चों ये क्या होता है, ये कैपिटल माना जाता है, और कैपिटल में अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, बताया था। फिर है बच्चों परचेज, अगर मैं परचेज करूँगा तो क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा मेरा, इनकम तो होगी नहीं, परचेज करूँगा तो एक्सपेंस हो जाएगा, और क्योंकि परचेज में इंक्रीज हुआ है तो फिर डेबिट होगा, एक्सपेंस में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट। कैरिज इनवर्ड एक और एक्सपेंस, और ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी डेबिट। कैश अकाउंट एसेट, एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट। रेंट रिसीव्ड क्या होगा बच्चों, रिवेन्यू हो गई हमारे लिए, और रिवेन्यू में अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, ये उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है।
फिर है इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। पेबल मीन्स होता है बच्चों ऐसी चीज़ जो हमको पे करनी है अभी, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करी, यानी हमारे लिए क्या हुई ये चीज़ इंटरेस्ट पेबल, ये हुई हमारे लिए लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो बच्चों क्रेडिट। फिर से बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्स पेबल, पेबल यानी पे करना है, तो ये भी क्या हुई हमारे लिए लाइबिलिटी, और इसको भी क्रेडिट। क्लियर है इतना। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स तो सर एसेट होते हैं, एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो उनको हमें डेबिट करना पड़ता है। क्लियर है ये बात। चलिए फिर है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, एसेट होता है हमारा, याद होगा अगर आपको काउंटिंग इक्वेशन में मैं आपको एक्रूड एसेट साइड लिखवाता था, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है हमारी, एक्रूड एसेट होता है, तो एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। फिर बच्चों बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी हमारा क्या होता है, एसेट ही होता है, यानी हमको रिसीव होना है, जैसे पेबल था लाइबिलिटी वैसे रिसीवेबल्स होते हैं हमारे एसेट, तो एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो बच्चों डेबिट होता है। ये था बच्चों क्वेश्चन, जिन बच्चों ने खुद से किया तो वो मैच कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में तो यही था। ठीक है तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, फिर इसको साथ में पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हमको गिवन है, इस बेस पे हमको इनका नेचर बताना है और बताना है कि कौन सा चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ उस टाइम पे क्रेडिट होगा। ठीक है तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ठीक है तो चलिए ये सारी चीज़ें बच्चों पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। फर्स्ट है बच्चों दिनेश स्टार्टेड बिजनेस, विद कैश, ठीक है। इसके बाद सेकंड है बोरोड फ्रॉम नरेश, नेक्स्ट है बच्चों परचेज्ड फर्नीचर, फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, फिर फोर्थ है बच्चों परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, फिफ्थ परचेज गुड्स फॉर कैश, सिक्स्थ है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, सेवन्थ सोल्ड गुड्स टू श्याम, सेवन्थ है बच्चों सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम,
एट है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट। नाइन्थ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम। टेंथ कैश पेड टू महेश। तो मैंने बच्चों ये क्वेश्चन नोट डाउन किया है, अब इसमें बाकी चीज़ें हम देखते हैं जो जो हमें क्वेश्चन ने बोला। क्वेश्चन ने बोला सबसे पहले तो कि हमें सबसे पहले ये बताओ कि जो जो चीज़ें हमने दी हैं इनका नेचर क्या है। तो हम पहले इनको नेचर बताएंगे। फिर क्वेश्चन ने बोला ये भी बताओ, नेचर बताने के बाद ये भी बताओ कि क्या इसमें डेबिट होगा और क्या इसमें क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम इनके डेबिट और क्रेडिट भी बताएंगे आपको। चलिए तो बच्चों दिनेश स्टार्ट करेगा बिजनेस विद कैश, अगर तो क्या होगा, कैश आएगा और बिजनेस स्टार्ट होगा। यानी कि क्या क्या ने क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो इसमें इन्वॉल्व हुआ बच्चों एसेट, कैश आया और कैपिटल। बच्चों क्योंकि कैश आया तो एसेट बढ़ा, तो उस हिसाब से ये चीज़ हमारी डेबिट हो जाएगी 5 लाख रुपए, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक है, बोरोड फ्रॉम नरेश। देखो बच्चों जितने भी ये पॉइंट्स हैं इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इस रूल पे आप काम करना हमेशा, कि क्या हमारे पास आया और क्या हमारे पास से गया। कभी कभी ऐसा होगा आपके पास कुछ आएगा लेकिन उस टाइम पे आपके पास से कुछ जाएगा नहीं, तो उस टाइम पे हम रीज़न लिखते हैं वहाँ पे। अभी मैं आपको आगे इसके वो दूंगा एग्जांपल। जैसे बोरोड फ्रॉम नरेश, हमने नरेश बोरो किया 1 लाख रुपये, तो अच्छा ऐसे में क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा तो एसेट इन्वॉल्व हुआ। गया क्या, गया कुछ नहीं, लेकिन कभी तो दोगे ना तो लाइबिलिटी, कभी तो रीपे करोगे उसको तो लाइबिलिटी। एसेट आया 1 लाख रुपए, हमारे पास पैसा आ गया, आप किसी से लोन लोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा और बाद में उसे चुकाना है तो आपके सर पे लाइबिलिटी भी रहेगी। बस ये आप ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे एक रूल लगाया कि मेरे पास आया गया और मेरे पास से उस टाइम पे गया क्या, तो मेरे पास आया एसेट कैश यानी कि, और गया कुछ नहीं, तो गया कुछ नहीं तो लाइबिलिटी कभी तो पे करूँगा ही मैं उसको। फिर है बच्चों परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो बच्चों इस केस में क्या हुआ, मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में, तो मेरे पास आया क्या, एक एसेट आया, फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट आया और गया क्या मेरे पास से, गया भी एक एसेट ही, कैश गया क्योंकि एसेट आया फर्नीचर कैश गया, ये हमारा एसेट। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे कितने रुपए के हमने खरीदे थे, 20,000। ये बात आपको समझ आया बच्चों, मैंने आपको बोला था आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर के, इसी क्वेश्चन नहीं, आपको आगे जब जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे या फिर आगे कभी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहाँ भी, सिर्फ आपको जनरल एंट्री या फिर ये चीज़ करते टाइम बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास आया क्या और हमारे पास से गया क्या। जो चीज़ आएगा वो आप डेबिट कर देना और जो चीज़ जाएगा उसे क्रेडिट कर देना। इन दोनों में आपके पास एग्जांपल है, इस टाइम पे मेरे पास आया क्या, फर्नीचर, क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज़ करा तो वो मैंने डाल दिया डेबिट, और इस टाइम पे क्या आया था, कैश, तो वो डाल दिया डेबिट। लेकिन इस वाले सेकेंड एग्जांपल पे हमारे पास से गया कुछ नहीं, तो इसलिए मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई क्योंकि बाद में पे करूँगा, और इस टाइम पे तो मैंने कैश दे दिया था तो कैश चला गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट परचेस फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। बच्चों देखो एक बात आपको यहाँ पे बतानी है कि जब भी ऐसा कुछ वो बोले, नाम आ जाए, परचेस करो सेल करो लेकिन नाम आ जाए, कैश ना लिखा हो, तो ये माना जाता है बच्चों कि हमने ये जो भी सेल करी या जो भी हमने परचेस करी है वो हमने क्रेडिट पे करी है। तो परचेस फर्नीचर अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास एसेट तो आ जाएगा लेकिन गया कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि आपने कैश पे किया या चेक पे किया या कुछ भी पे किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो फिर लाइबिलिटी
कितने का परचेज़ करा था हमने, 40,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि आपने गुड्स ख़रीदे और कैश में ख़रीदे। तो बच्चों यहाँ पे हमने अगर गुड्स ख़रीदे तो इसमें क्या आया हमारे पास, इसमें हमारे पास गुड्स आए, और अगर गुड्स आते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस, एसेट नहीं होते गुड्स, एक्सपेंस टू गया क्या एसेट, क्योंकि कैश पे किया हमने कितने में, तो हमने ख़रीदा था 15,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, फिर से नाम आ गया बच्चों, यानी हमने पे तो नहीं किया होगा, यानी अब क्या होगा एक्सपेंस और टू लाइबिलिटी, क्योंकि बाद में पे करना है, मैंने गुड्स ख़रीदे और पैसे नहीं दिए उसे, तो गुड्स तो आ गए, एक्सपेंस तो हो गया मेरा, हालांकि पैसे मैंने अभी पे नहीं करे तो, लेकिन बाद में तो करने पड़ेंगे पे, ठीक है। तो 30,000। फिर बच्चों सोल्ड गुड्स टू कैश टू करीम, हमने कैश में गुड्स बेचा। ऐसे टाइम पे बच्चों आपके पास क्या होगा, हमेशा जब भी आप कैश में कोई चीज़ बेचोगे तो कैश आएगा, यानी आपका एसेट डेबिट होना चाहिए, एसेट बढ़ेगा। और गया क्या, ध्यान से सोचो गया क्या, गया तो कुछ नहीं, रिवेन्यू हो गई, बल्कि एसेट यानी कैश आया, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए रिवेन्यू था, हमने सेल करी, कितने की हमने करी थी 25,000। एट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स बेचे श्याम को क्रेडिट पे, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ क्रेडिट पे करी है बच्चों, तो श्याम से मैं पैसा लूँगा बाद में, तो मेरे लिए एसेट हो गया, और क्योंकि मैंने करी तो सेल ही है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, रिवेन्यू, ठीक है। कितने में मैंने बेचा था इसको, 30,000। फिर बच्चे कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, जब हमने श्याम को बेचा था उसमें से हमको कैश रिसीव हो गया 20,000, कैश रिसीव हो गया तो बच्चों एसेट बढ़ना चाहिए, और श्याम को भी हमें कम करना पड़ेगा, यानी वो एसेट डिक्रीज हो गया हमारा, जब हमने श्याम से पैसे लेने थे तो हमने उसको क्या करा था डेबिट, अब श्याम ने पैसे दे दिए तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, उसने हमें 20,000 पे कर दिए थे, ठीक है बच्चों। देखो डबल एंट्री सिस्टम जो था, हम उस बेस पे काम कर रहे हैं, हर एक पॉइंट के दो इफेक्ट पड़ रहे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यही होता है बच्चों। 10th पॉइंट है हमारा कैश पेड टू महेश, हमने महेश को कैश पे कर दिया। तो देखो बच्चों हमने महेश से सामान ख़रीदा था, उस टाइम पे हमने लाइबिलिटी क्रेडिट करी थी, तो अब अगर मैं उसको पे कर रहा हूँ तो मुझे लाइबिलिटी डेबिट करनी पड़ेगी, और कैश पे किया है तो मेरा एसेट कम हो जाएगा, तो एसेट क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना कैश पे कर दिया मैंने, 10,000। हर एक ट्रांजैक्शन के बच्चों देखो आप ध्यान से समझोगे तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़े, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसी को बोला जाता है बच्चों रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम में जो हम काम करते हैं, डबल ड्यूअल एस्पेक्ट जो इसका काम होता है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन 5 इजी था मैंने आपको कराया, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फिर मैं अब आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको करना है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये रहा इसका आंसर, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले दे चुका था, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा इसके आंसर्स भी गिवन है यहाँ पर, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों आपको, इनके आंसर्स भी गिवन है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, ये आपका होमवर्क है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।